आरपीटीवी न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन। बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर के आदेश व जिला आबकारी अधिकारी बड़वानी केस मुजालदे के निर्देशन में आबकारी अपराध नियंत्रण बल द्वारा संयुक्त अभियान में गुरुवार देर शाम व्रत अंजड़ तहत नर्मदा नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्रों के अंदरूनी क्षेत्र में दबिश दी गई। दबिश के दौरान आवली, छोटा बड़दा, गोलाटा, मोहीपुरा, केशरपुरा व नर्मदा नदी किनारे अलग अलग 10 स्थानों से लगभग 3000 किलोग्राम महुआ लहान मौके से बरामद करके नष्ट किया गया तथा 40,000 लीटर की भट्टी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 1,52,000 रुपये लगभग है। वही 10 अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई में उड़नदस्ता प्रभारी उप निरीक्षक आनंद पाल सिंह, मंडलोई अंजड़ व्रत प्रभारी उप निरीक्षक BS जमरा, आबकारी उप निरीक्षक KM मंगोदिया, मुख्य आरक्षक दिलीप जायसवाल, आरक्षक हुकुमचंद पाटीदार, गंगा सोलंकी, प्रदीप भावसार, महेश गुप्ता, इरफान अली शामिल रहे। अंजड़ से सतीश परिहार की खास रिपोर्ट। दिनांक को वो DO केस मुजालदे साहब के निर्देशन में संयुक्त दबिश नर्मदा किनारे छोटा बड़दा, आंवली, मोहीपुरा, गोलाटा, केसरपुरा में दी गई। उस दबिश के दौरान नर्मदा किनारे झाड़ियों में काफ़ी मात्रा में हम लोगों को महुआ से भरे हुए ड्रम बरामद किए गए हम लोगों द्वारा। उसमें लगभग 3000 केजी महुआ लान, 40 लीटर हाथ भट्टी शराब और जब्त कर 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इनकी कीमत लगभग 1,52,400 रुपये है। इस संयुक्त दबिश में व्रत अंजड़ के साथ में बड़वानी के कपिल कुमार मांगोदिया साहब और उनका अधीनस्थ स्टाफ साथ में था, साथ ही राजपुर का स्टाफ भी इस दबिश में शामिल रहे और इन लोगों के सहयोग से ये कार्रवाई